नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 30 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर वोटिंग हुई और समझने की हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि बीजेपी और वाम दल टीएमसी के बीच की ये लड़ाई है, इस बार बीजेपी जीत का दावा कर रही है। 200 पार का नारा भी दिया गया है कि इस बार 200 पार लेकर आएंगे। लेकिन हम सवाल ये और ये समथिंग ये कि इस बार का चुनाव किस तरह से अलग है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, जो कि वहां का इलेक्शन किस तरह से होता है उसको कई बार वो कवर भी कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज के खास कार्यक्रम। धन्यवाद राजेश सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस बार चुनाव जो हो रहा है ये कई मायनों में खास है, किस तरह से देखते हैं आप? श्रीकांत जी, इस बार जो बंगाल का चुनाव है वो जैसे कि आपने कहा कई मायने में खास है। मैं कुछ चुनावों में वहाँ मैंने कवर किए हैं और लगातार लोकसभा चुनाव को भी और विधानसभा चुनाव को, तो मैं कह सकता हूँ कि इस दो तीन संदर्भ अगर हम देखेंगे तो हमें आपको बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। पहली बात तो यह है कि हमने अभी तक देखा था कि लंबे समय तक कांग्रेस वहाँ करीब करीब 20-25 साल तक शासन करती रही। उसके बाद करीब करीब इतना ही शासन सीपीएम यानी लेफ्ट ने किया। इसके बाद अब 10 साल से ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी ने जो सीपीएम को उखाड़ फेंका, यानी वामपंथी किला जो है गिराने ढहाने में जो कामयाबी हासिल की थी, उसने उनकी जड़ें बंगाल की सियासत में बहुत मजबूत कर दी थी और जिस पार्टी की कोख से वो निकल के गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी स्थिति काफी कमजोर कर दी थी। यानी तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को कमजोर किया, लेकिन वो प्रतिपक्षी धारा जो थी उसको उभरने से रोक नहीं पाई। तो प्रतिपक्षी धारा कौन सी थी? एक धारा तो वो थी जो कांग्रेस की धारा थी जिससे वो खुद निकली थी, और दूसरी धारा जिसको कि हम दक्षिणपंथी या भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या वो जो बात करते हैं उनके जो वैचारिक आधार हैं, उस धारा की बात कर रहा हूं। पिछले चुनाव तक वामपंथी मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर कहीं ना कहीं नजर आती थी और तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी। इस चुनाव में ये जो खास बात आई है वो ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है, फिलहाल आज पहला चरण है चुनाव का, शायद आने वाले दिनों में और चुनावी पंडित उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आक्रामक शैली और अभियान के चलते कहीं वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को तीसरे स्थान पर न ले आए। अब अगर तीसरे स्थान पर ले आती है भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे को, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। हमने देखा है कि ऐसा जब भी होता है तो जो तीसरा खिलाड़ी है उसको मालूम होता है कि वो खुद तो सत्ता में आ नहीं सकता, तो वो कई बार एक को दो नंबर पे ले आता है, दो को एक नंबर पे ले आता है। तो इस चुनाव में देखते हैं क्या मतदाता फैसला करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इसमें वाम मोर्चा और कांग्रेस इस बार मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में नहीं। बिल्कुल। और ममता बनर्जी की हम बात करेंगे, वो कह रही है खेला हो गए, लेकिन वो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने पहुंची है, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, नंदीग्राम के का एक सांकेतिक प्रतीकात्मक अर्थ है जिसको मैं कहता हूँ। एक तो नंदीग्राम से जो उनके बड़े खास विश्वस्त सहयोगी थे, कमांडर थे, जिनको मैं कहूँ कि वो सेंध लगा के, जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी शैली है, हम देखते हैं कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पांव विस्तार करने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए, पांव जमाने के लिए उसने प्रतिद्वंदी पार्टियों के कमांडरों को, सेनानियों को अपने में मिलाया, अपने में खींचा, अपने दलों में शामिल किया। असम में भी हमने देखा, देहरादून में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, और भी कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा। तो हर राज्य में उनका ये पहला जोर होता है कि अगर उनके पास उचित और योग्य प्रत्याशी नहीं है तो सामने प्रतिद्वंदी दल में अगर योग्य प्रत्याशी हैं तो उनको ले आओ। तो इस नाते नंदीग्राम एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था। नंदीग्राम की लड़ाई अगर स्थानीय स्तर पर जो पार्टी छोड़ के गए उन्होंने लड़ी थी, जो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को अंजाम दिया था
और उनकी भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नंदीग्राम में वहाँ के किसानों की, वहाँ की स्थानीय लोगों की जीत हुई है तो उसमें ममता बनर्जी की भूमिका बहुत बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से, मान लीजिए ममता बनर्जी ने हकीकत समझी है, अगर बहुमत नहीं मिलता तो उन्हें मालूम है कि जो नंदीग्राम से जो प्रत्याशी हैं उनके सामने, हो सकता है वो एक छुपे रुस्तम की तरह मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाए। ऐसी सूरत में अगर उन्हें थोड़ा बहुत समर्थन, जैसे कि हमने देखे हैं बीच में बयान भी आए हैं कि ठीक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनके सीधे प्रतिद्वंदी के रूप में है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रंट पे कांग्रेस और बाकी लोग जो उस धारा के लोग हैं वो ममता को एन वक्त पे चुनावों के बाद समर्थन कर सकते हैं। और भारत की राजनीति में कोई ये असाधारण बात तो है नहीं, हमने हरियाणा में देखा था कि आमने सामने लड़े थे भारतीय जनता पार्टी और चौटाला की पार्टी, और बाद में सत्ता के बाद जिससे लड़ रहे थे और जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो दोनों ही सत्ता में साझीदार हो गए। तो बंगाल का चुनाव इस नाते से मुझे डराता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कई मायनों में ये खास सर और बहुत ही दिलचस्प हो गया है बंगाल का जो चुनाव है। पहले चरण की वोटिंग तो हो चुकी है, देखना दिलचस्प होगा कि अब बाकी जो 7 चरण बचे हुए हैं उनमें किस तरह से यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।